हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। 13 अक्टूबर 2019 की प्रीलिम्स अपडेट सीरीज में आपका स्वागत है। तो देखते हैं आज की हमारी पहली न्यूज़। पहली जो न्यूज़ यहाँ पे आई है वो आई है पोषण एटलस के बारे में। देखो, पिछले साल गवर्नमेंट ने, यानी कि 2018 में मार्च में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की थी पोषण अभियान से, जिसका मेन मोटो ये था कि हमारे देश में जो भी मालन्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है, इसके लिए जो भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हैं, मेनली खाने पीने के आइटम्स, सीधी सी बात में, तो उन आइटम्स को लेके गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की थी कि भाई जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं इनको रेगुलेट करना है, इनको काउंटर करना है, तो सभी को एक अच्छा खाना मिले, एक हेल्दी डाइट मिल सके। और मेनली इसका फोकस रहा था वुमेन पे, क्योंकि हमारे देश में महिलाओं में अगर हम बात करें तो कुपोषण या माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती है। तो अभी उसी टारगेट को, या हम बात करें कि पोषण अभियान को और ज़्यादा आगे एक्सपेंड करने के लिए, गवर्नमेंट ने पोषण एटलस है वो एक छोटा सा प्रोग्राम या कैंपेन स्टार्ट किया है। बेसिकली है जो एटलस है वो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और इसी के साथ ही एक फाउंडेशन या एक ग्रुप है जिसका नाम है बिल एंड मिलिंडिया गेट्स फाउंडेशन, और इसी के साथ है एक दीनदयाल रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो इन तीनों ने मिलकर पोषण एटलस है वो जारी किया है। ये देखो, ध्यान रखना है कि पोषण एटलस है वो पोषण अभियान का ही एक पार्ट है। काम इसका ये रहेगा कि देखो, अलग अलग एरिया में, इंडिया में डाइवर्सिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए हर एरिया में कोई ना कोई अलग क्रॉप्स है, फूड ग्रेन है, वो प्रोड्यूस होते हैं। तो अलग अलग एरिया के हिसाब से फूड क्रॉप्स हैं, फूड ग्रेन्स हैं, इनको बेसिकली आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनमें न्यूट्रिशंस कैसे हैं, इसके बेसिस पे जो अच्छे प्रोटीन वाले आप बोल सकते हो खाना है वो लोकल एरिया के हिसाब से प्रमोट है वो किया जाएगा। यानी कि जिस एरिया में जो चीज़ मिल रही है उससे जितना फ़ायदा हो सकता है उसी हिसाब से उस एरिया में उस चीज़ को प्रमोट किया जाएगा, और एक इंडिया का एक आप बोल सकते हो डायग्राम, एक खाका तैयार यहाँ पे किया जाना है। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे देश में माल न्यूट्रिशन की जो प्रॉब्लम है इसको और ज़्यादा इफेक्टिवली तरीके से इम्प्लीमेंट है वो करने वाला है, यानी कि पोषण अभियान को। इसी के साथ ही इसका फ़ायदा क्या होगा, रीजनल एरिया में जो क्रॉप या जो फसलें बोई जाती हैं वो पर बढ़ेंगी, उनका प्रमोशन, उनको प्रमोट किया जाएगा। इसी के साथ ही जो लोकल फूड होता है इसको भी मेन डाइट में शामिल किया जाएगा, जिससे खाने में डाइवर्सिटी बनी रहेगी। और आगे हम बात करें तो महिलाओं में जो एनीमिया की प्रॉब्लम होती है, यानी ब्लड की कमी से जो रोग हो रहा है, उसे काउंटर करने में भी काफ़ी हेल्पफुल ये रहेगा। अब देखो, एक फैक्ट है, ये बेसिकली हम एक फोडर मटेरियल के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फैक्ट ये है कि वर्ल्ड बैंक की एक ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट रिलीज की गई थी पिछले साल 2018 में, और इस रिपोर्ट में ये बताया गया था कि भाई जो इंडिया है ना वो हर साल माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण की समस्या की वजह से $10 बिलियन पैसा है वो अपना वेस्ट कर देता है, यानी कि $10 बिलियन का इंडिया को नुकसान होता है माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम से। अब आपके दिमाग में होगी भाई माल न्यूट्रिशन से $10 बिलियन का नुकसान कैसे होता है। देखो, अगर कुपोषण की प्रॉब्लम होगी तो सीधी सी बात यह है कि बीमारियां ज़्यादा बढ़ेंगी, बीमारियां बढ़ेंगी तो गवर्नमेंट का हेल्थ एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। इसी के साथ ही जो ग्रुप्स हैं, जिन लोगों को ब्लड की या हम बात करें और भी जैसे कुपोषण की प्रॉब्लम हो जाएंगी, तो वो ढंग से एक हेल्दी इकोनॉमी में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, तो कहीं ना कहीं जो प्रोडक्टिविटी है वो कम होगी, बीमारियाँ बढ़ेंगी, डेथ बढ़ेंगी, तो इससे हमारी ओवरऑल इकोनॉमी को नुकसान होता है, तो वो हर साल लगभग $10 बिलियन का नुकसान हमें पहुंचाता है। अब देखते हैं आगे। नेक्स्ट जो आर्टिकल हुआ है नेशनल डायबिटीज एंड डायबिटिक रेटिनोपैथी सर्वे रिपोर्ट के बारे में। देखो, यह इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, बट सभी न्यूज़ में था तो थोड़े से कुछ फैक्ट हैं। ये सारे जो फैक्ट हैं इसमें ज़्यादातर ये हम ऐसे राइटिंग में या फिर आप कहीं किसी क्वेश्चन में फोल्डर मटेरियल में अगर यूज करोगे तो ज़्यादा हेल्पफुल है वो रहेंगे। बेसिकली ये जो सर्वे रिपोर्ट है जारी की गई है, नेशनल डायबिटिक जो रिपोर्ट है यह है, हम बोले तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, उसके द्वारा इसको जारी है वो किया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही एक राजेंद्र प्रसाद सेंटर है ओथेम्पलिक साइंस के लिए, उसके द्वारा, और एम्स है, उसका भी इसमें पार्टिसिपेशन था, यानी कि हेल्थ मिनिस्ट्री और राजेंद्र प्रसाद सेंटर फॉर ओपलेथमिक साइंस और इसी के साथ ही एम्स जो दिल्ली वाला है, इन तीनों ने मिलकर ये सर्वे है या रिपोर्ट है वो कंडक्ट तैयार है वो की है, तो यह आपको ध्यान में रखना है। देखो, बेसिकली हम बात करें यहाँ पे कि ऑप्थेलेमिक साइंस कौन सी होती है। ऑप्थेलेमिक साइंस का मतलब ये होता है एक तरीके से नेत्र साइंस, यानी कि जो आंखों संबंधी बीमारियाँ होती है इन सब की स्टडी की जाती है, उसे हम कहते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि किससे है रिलेटेड है। देखो, बेसिकली इस रिपोर्ट में मोटा मोटा कंटेस्ट या हम बोले सार इसका ये है कि हमारे देश में हम बात करें तो लगभग 72.96 मिलियन केस ऐसे हैं जो कि डायबिटीज से पीड़ित हैं, यानी कि लगभग इंडिया में 72.96 मिलियन लोग डायबिटीज से परेशान हैं, डायबिटीज से जूझ रहे हैं। अगर हम बात करें तो जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है। अर्बन एरिया में हर साल हम देखें तो लगभग 10.9 से लगभग 14.2% की ग्रोथ रेट से डायबिटीज है वो बढ़ता जा रहा है,
और रूरल एरिया में हम बात करें डायबिटीज की, तो वो लगभग 3% से लेकर 7.8% तक बढ़ता जा रहा है। और ये जो डायबिटीज की जो प्रॉब्लम है, यानी कि मधुमेह की जो बीमारी है, वो ज़्यादातर हम देखें तो 50 साल के बाद ज़्यादा इसका इफेक्ट आता है। मतलब यंग जनरेशन की वजह जो बूढ़े लोग होते हैं उनके ऊपर इसका ज़्यादा इफेक्ट है वो आता है, बट आजकल यंग जनरेशन में भी इसकी प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है। आगे इस रिपोर्ट में कुछ फैक्ट ये दिए गए हैं कि इंडिया में अगर हम पिछले 4 साल का रिकॉर्ड या देखें स्टडी करें, तो पिछले 4 साल से जो हमारे देश में डायबिटीज़ है वो 11.8% की ग्रोथ रेट से बढ़ता जा रहा है, चाहे बात करो महिलाओं की या फिर पुरुष लोगों की, पुरुष पर्सन की। अब यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट। नेक्स्ट फैक्ट देखो यहाँ पे ये है कि मेल में जो डायबिटीज़ है वो कंपेयर टू फीमेल से ज़्यादा है। मतलब मेल में डायबिटीज़ है वो 12% की ग्रोथ रेट से बढ़ रहा है, मेल में बढ़ रहा है, फीमेल में सॉरी है बढ़ रहा है 11.7% की ग्रोथ रेट से। इसी के साथ ही जिन पर्सनस की, या हम बात करें तो सीनियर सिटीजन जिनकी एज 70 से 79 ईयर्स है, उसमें डायबिटीज़ बढ़ने के चांसेस हैं वो हैं 13.2% की ग्रोथ है। तो देखो इतने सारे परसेंट आपको याद नहीं रखने हैं, बट अगर आपको एक दो पॉइंट्स भी इनमें याद रहें तो वो आप ऐसे रेटिंग में या फिर किसी भी आंसर में ऐड कर सकते हो, तो वो एक वैल्यू एडिशन के तौर पे आपके काम है वो करेगा। इसी के साथ ही इसमें ये भी दिया गया है कि जो डायबिटिक रेटिनोपैथी, यानी कि डायबिटीज से जो आँखों संबंधी बीमारियाँ होती हैं, दिखाई देना बंद हो जाता है, ऐसी प्रॉब्लम भी हमारे देश में बढ़ती जा रही हैं। इनकी अगर हम बात करें तो वो लगभग 16.9% की ग्रोथ रेट से बढ़ती जा रही हैं। और डायबिटीज़ से आँखें में आप बोल सकते हो कि अंधापन है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ये कुछ रिपोर्ट के कुछ पॉइंट्स हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है यहाँ पे वो है सुमन के बारे में। तो क्या है सुमन, ये हम देख लेते हैं इसके बारे में। देखो अभी रिसेंटली हेल्थ मिनिस्ट्री का एक नया इनिशिएटिव है, यहाँ बात करें कि गवर्नमेंट ने एक नया इनिशिएटिव लॉन्च किया है हेल्दी लाइफ के लिए। सुमन की फुल फॉर्म यहाँ पे हुआ है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। इसका काम यह है कि महिलाओं को एक अच्छी हेल्थ केयर है, क्वालिटी वाली हेल्थ केयर है, वो प्रोवाइड करवाई जाएगी एट जीरो कॉस्ट। अब इसमें किस किस को शामिल किया गया है, देखो इसमें जो भी प्रेग्नेंट या गर्भवती महिलाएं हैं वो, इसी के साथ ही न्यू मदर्स यानी कि जिन्हें अभी मतलब बच्चे की डिलीवरी की है वो, और या फिर जो छोटे बच्चे हैं उनको इसमें शामिल स्कीम में किया जाएगा। अब देखो इसमें 4 तरह के तो चेकअप्स वगैरह हैं वो रखे गए हैं गवर्नमेंट के, कि एटलीस्ट कम से कम तो 4 चेकअप उनको करवाने पड़ेंगे जो भी गर्भवती या प्रेग्नेंट महिला है उनको। वैसे एक तो जब वो प्रेग्नेंट होती है तो उसके 3 महीने में एक चेकअप करवाना पड़ेगा, इसके बाद में एक चेकअप उनको प्रधानमंत्री और सुरक्षित मातृत्व अभियान है उसके तहत करवाना पड़ेगा, एक फिर उनको आयरन फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन का एक प्रोग्राम चलता है उसके तहत चेकअप करवाना पड़ेगा, और इस तरीके से एक उनको डायथीरिया इंजेक्शन का चेकअप है वो करवाना पड़ेगा। तो ऐसे कुल मिला के इनको 4 चेकअप करवाने पड़ेंगे, इसी के बाद गवर्नमेंट उनको फ्री हेल्थ केयर कवरेज है वो यहाँ पे देने वाली है। अब आगे बात देखो ऐसी है कि इस स्कीम का मोटो ये रखा गया है कि हमारे देश में जो हर महिला है या फिर न्यू बॉर्न जो बेबी हैं उनको फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटी हेल्थ केयर वो प्रोवाइड करवाई जाएगी, यानी कि जीरो कॉस्ट उनकी यहाँ पे सामने आएगी। इसमें होगा क्या, जो भी बेनिफिशियरीज हैं उनको पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज पे विजिट करना होगा और वहाँ पे उनको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगी, यानी कि जो भी प्रेग्नेंट महिलाएं हैं वो अपने नियर जो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वगैरह हॉस्पिटल हैं वहाँ जाएंगी, और वहाँ उनको विजिट करने के बाद सारी उनसे जो भी रिलेटेड उनको चेकअप वगैरह की जरूरत होगी वो उनको सब फ्री में प्रोवाइड करवाए जाएंगे, और मेडिसिन वगैरह सब फ्री में मिलेगी। इसके लिए एलिजिबिलिटी है कि सभी प्रेग्नेंट महिलाएं या फिर जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो, या फिर मदर्स जिन्होंने बच्चे की डिलीवरी कर दी है 6 महीने तक, वो इन सबको इस स्कीम में इंक्लूड है वो क्या जाएगा। बेनिफिट्स क्या हैं, बेनिफिट्स कुछ ऐसे हैं कि एक तो जीरो एक्सपेंस, मतलब कि खर्चा कुछ नहीं होगा, जीरो पैसे यहाँ पे उनको पे करना पड़ेगा, कोई भी चार्जेस नहीं पे करने हैं। इसी के साथ ही फ्री ट्रांसपोर्ट, अगर कोई भी प्रेग्नेंट महिला है उसको बच्चे की डिलीवरी करवानी है, ऐसे केस में उनको जो फ्री ट्रांसपोर्ट है यानी एम्बुलेंस सर्विस है वो दी जाएगी, और अगर वो 48 आवर्स तक एडमिट रहती हैं तो उनको डिस्चार्ज वगैरह के भी कुछ प्रावधान किए गए हैं। इसी के साथ ही अगर डिलीवरी के टाइम पे काफ़ी कॉम्प्लेक्सिटी आ जाती है तो जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसकी फैसिलिटी भी रखी जाएगी, और डिलीवरी के टाइम पे भी कोई चार्जेस वगैरह नहीं लिए जाएंगे। अब ओवरऑल बात यह थी कि भाई स्कीम का फ़ायदा क्या है। देखो इस स्कीम का फ़ायदा ये है कि हमारे देश में जो मेटरनल और जो इन्फेक्ट मोर्टलिटी रेट है ये काफ़ी ज़्यादा थी, और इसको हमें बहुत कम करना है, और इसी के लिए स्कीम काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। पहली बात तो है कि मेटरनल रेट क्या होती है, मेटरनल मॉर्टलिटी डेथ यानी MMR, और एक होती है MR। देखो दोस्तों दोनों ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपको ये बारे में इनके बारे में पता होना चाहिए। पहले तो हम देखते हैं MMR यानी कि मेटरनल मॉर्टलिटी रेट, यानी कि मातृत्व मृत्यु दर।
जो मेटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये बेसिकली 1 लाख महिलाओं पे, ध्यान रखना 1 लाख, सॉरी 1 लाख लाइव बर्थ, यानी कि 1 लाख बच्चों का जन्म हो रहा है उस पर कितनी महिलाओं की डेथ है वो हो रही है, इसके ऊपर काउंट की जाती है। और जो MR है, हम बात करें उसकी, तो MR बेसिकली काउंट की जाती है कि भाई 1000 जो बच्चे हैं, सॉरी 1000 बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें से 1 साल अगर वो एज अचीव कर रहे हैं उससे पहले कितने बच्चों की डेथ है वो हो जाती है। तो ये होती है MR और MMR में डिफरेंस। तो ध्यान रखना MMR है वो पर लाख बच्चों पे काउंट की जाती है कि कितने माताओं के, महिलाओं की डेथ हुई है, और जो हम बात करें MR की है इस ये काउंट की जाती है कि भाई 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो 1 साल की एज अचीव करने से पहले कितने बच्चों की डेथ है वो हो जाती है। तो देखो इंडिया में जो MMR थी ना, यानी कि मेटरनल मॉर्टेलिटी रेट, ये डिक्लाइन हुई है अभी 2004-06 में ये थी 254 एक लाख के ऊपर, जबकि अभी 2014 से 2016 के जो टाइम पीरियड है इसमें ये आ गई है 130 पर एक लाख महिलाओं की, 1 लाख बच्चों की बर्थ के ऊपर। और वहीं पे अगर हम बात करें जो मोर्टेलिटी रेट, इनफेक्ट मोर्टेलिटी रेट है, जिसे हम बेसिकली IMR के नाम से भी जानते हैं, IMR या MR के नाम से आपको मिल सकती है, IMR है ये बेसिकली काउंट की जाती है 1000 बच्चों के ऊपर कितनी, मतलब 1000 बच्चे पैदा हो रहे हैं उसमें से 1 साल की एज अचीव करने से पहले कितने बच्चों की डेथ है वो हो रही है। तो ये भी काफ़ी घट के कम हो गई है। 2016 में ये संख्या थी 66 बच्चों की मौत हो जाती थी 1 साल से पहले ही, और अभी ये रेशियो है वो आ गया 34 पे। तो गवर्नमेंट इसको और कम करना चाह रही है और सिंगल डिजिट तक पहुंचने की कोशिश यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है ग्रीन वॉल को लेके। देखो ग्रीन वॉल है वो बेसिकली अभी एक गवर्नमेंट का बस प्लान है, ऐसा नहीं कि इसको भी एक्टिव किया जा रहा है, बस एक प्लान किया जा रहा है कि इंडिया का जो नॉर्थ वेस्ट पार्ट है ना इसके अंदर ग्रीन वॉल का निर्माण किया जाएगा। अब क्या है ग्रीन वॉल, सीधी सी बात हम देखते हैं। तो पहले एक छोटी चीज़ हम देखते हैं, ग्रेट ग्रीन वॉल। देखो ग्रेट ग्रीन वॉल है ये बेसिकली डेजर्टिफिकेशन है, उससे निपटने के लिए अफ्रीका का एक इनिशिएटिव था जो कि वेस्ट अफ्रीका को ईस्ट अफ्रीका के बीच में जो पूरा सहारा डेजर्ट है वो, और इसी के साथ ही एक डेजर्ट और था यहाँ पे साहेल डेजर्ट, इन दोनों डेजर्ट में काफ़ी सारे हिस्से को डेजर्टिफिकेशन से रोकने के लिए स्टार्ट किया जा रहा था, यानी कि यहाँ पे पेड़ पौधे लगाए जा रहे थे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि ईस्ट साइड से जो जिबूटी कंट्री है जिसे हम जिबूटी नाम से जानते हैं, जिबूटी है वैसे इसका सही नाम, तो जिबूटी से लेके फिर यहाँ पे हम बात करें तो मॉरिशस से आगे फिर यहाँ पे एक कंट्री आती है साहेल, यहाँ तक इस कंट्री का, यहाँ तक जो एक लेयर बनाई जा रही थी कि उस पर पेड़ पौधे लगाए जाएंगे एक बेल्ट में, उस बेल्ट का नाम था ग्रेट ग्रीन वॉल। तो उसी तरह पे इंडिया में भी डेजर्टिफिकेशन से निपटने के लिए ग्रेट वॉल, जो ग्रीन वॉल है इसका निर्माण किया जा रहा है। तो ध्यान रखना ग्रेट ग्रीन वॉल तो है अफ्रीका से रिलेटेड, जो कि वहाँ की अफ्रीकन यूनियन का इनिशिएटिव है, जबकि हम बात करें हमारे यहाँ पे जो इंडिया में है ग्रीन वॉल वाला इनिशिएटिव, ये बेसिकली इंडिया का है। इंडिया में लगभग 1400 किलोमीटर का एक एरिया बनाया जाएगा, यानी कि ये हम बात करें तो गुजरात से लेके दिल्ली तक के एरिया में, तो इसमें काफ़ी सारे स्टेट कवर हो जाएंगे, और 5 किलोमीटर चौड़ी पट्टी होगी और 1400 किलोमीटर लंबा एक बेल्ट होगा, इसमें काफ़ी सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे, यानी कि जंगलों का निर्माण है, फॉरेस्ट है वो बढ़ाए जाएंगे ताकि डेजर्टिफिकेशन को कंट्रोल किया जा सके। और इसके साथ गवर्नमेंट का टारगेट ये था कि भाई 2030 तक हमें जो लैंड डिग्रेड हो रहा है इसको कंट्रोल करना है, और लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर ज़मीन को हमें रिस्टोर करना है ताकि वहाँ से पेड़ पौधे उनको कंट्रोल किया जा सके। तो ये सारे टारगेट गवर्नमेंट तभी अचीव कर सकती है। ऑब्वियसली इस रास्ते में हमें पता है कि अरावली माउंटेन रेंज है, और इसलिए अरावली माउंटेन रेंज है इसके पास वाले हिस्से में पेड़ पौधों की संख्या में इजाफा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से प्रस्ताव किया गया, यहाँ से गुजरात से स्टार्ट होगा और फिर आगे दिल्ली तक किया जा रहा है। 1400 किलोमीटर की लंबी लेंथ है और 5 किलोमीटर लंबा बेल्ट है वो तैयार किया जाएगा। देखो अभी इसरो की रिपोर्ट आई थी 2016 में, उस रिपोर्ट में ये था कि गुजरात, राजस्थान और जो दिल्ली, ये तीन स्टेट और जो यूटीज है ना, यहाँ पे देखा जाए तो जो डेजर्टिफिकेशन है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे हम बात करें तो जंगल हैं वो लगभग 50% कम हो चुके थे, इसीलिए इनिशिएटिव है वो लाया जा रहा है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में। देखो कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है वो एक नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के अंदर काम करता है, और 1982 में इसको सेटअप किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये है कि हमारे देश में जो भी कॉर्पोरेट कारपेट वगैरह होते हैं इनको हैंडमेड तरीके से या फिर जो भी आर्टिफिशियल तरीके से बनाया जाता है इसके ऊपर एक्सपोर्ट करना, इनको प्रमोट करने का काम इसके द्वारा किया जाता है। देखो आप ये फैक्ट ध्यान रखना फोडर मटेरियल के तौर पे कि इंडिया के जो हैंडमेड कारपेट है ना, इंडिया की हम बात करें कि कारपेट इंडस्ट्री वो वर्ल्ड की नंबर वन इंडस्ट्री है इंटरनेशनल मार्केट के तौर पर, मतलब कि इंडिया के कारपेट ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहते हैं,
क्वालिटी के मामले में भी और क्वांटिटी हर क्षेत्र में। तो इंडिया लगभग कोल और वुड के जितने भी कारपेट्स होते हैं इनमें लगभग 35% प्रोड्यूस है वो इंडिया अकेला करता है, हैंडमेड और दोनों की बात यहाँ पे की जा रही है। नेक्स्ट एक छोटा सा आर्टिकल लास्ट वो है एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्समेंट अवार्ड के बारे में। देखो कॉन्टेक्स्ट ये है कि अभी हमारे जो सीनियर IFS यानी कि इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर थे जिनका नाम था रमेश पांडे, उनको अभी एशिया इन्वायरमेंटल इन्फोर्मेंस अवार्ड के लिए चुना गया है। किसके द्वारा? यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा। ये आपको ध्यान रखना है कि इन्होंने काम क्या किया है। जो रमेश पांडे हैं इन्होंने काम किया है ट्रांस बाउंड्री इन्वायरमेंटल क्राइम को कंट्रोल करने के लिए, इनको काउंटर करने के लिए, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ ही इनका एक इंटीग्रेटेड सिस्टम लॉन्च किया गया था जिसका नाम था MSTIPS। MSTIPS का मतलब था मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर इंसेंटिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस। अब ये आपको ध्यान होगा इस पर UPSC ने क्वेश्चन पूछा था 2016-17 में, आई थिंक या तो 16 में था या 17 में, वो डायरेक्टली ये था कि MSTIPS वो किस रिलेटेड है। तो ये हमें उस टाइम पे काफी न्यूज में भी था, खैर ये तो उस चीज को लेके UPSC वापस भी इस क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकती है, जो कि एक सॉफ्टवेयर था ताकि टाइगर वगैरह को उस पर मॉनिटर है वो किया जा सके। और इसी स्टार्टिंग में इसे लॉन्च किया गया था दूधवा टाइगर रिजर्व से लेके। तो यह आपको ध्यान में रखना है कि एशिया इन्वायरमेंटल इन्फॉर्मेंस अवार्ड है वो यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम देता है। अभी किसको दिया गया है, क्यों दिया गया है, किस क्या उन्होंने अच्छा काम किया है, क्योंकि उनके द्वारा जो MSTIPS सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था वो काफी हेल्पफुल रहा था टाइगर कंजर्वेशन के लिए। तो ये थी आज की हमारी डिस्कशन। तो फिलहाल के डिस्कशन में इतना ही है। तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।